अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बेबी फ्रॉक की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो आप 8 से 12 मंथ्स तक की बच्ची को पहना सकते हैं। मतलब ये 1 ईयर तक की बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसे बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है वर्धमान ब्राइलॉन यार्न। ये आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स पर मिल जाएगा। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर हर तरह के थ्रेड्स अवेलेबल है, और साथ में मैंने यहाँ पर नीडल यूज़ की है 0 नंबर 1.75 mm की। आप 3 mm तक की नीडल इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स पर हर तरह के थ्रेड्स के साथ हर तरह की नीडल्स भी अवेलेबल है, तो आप एक बार जाकर चेक ज़रूर करना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। सो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इससे बिगिनर्स भी ईजीली बना लेंगे। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, या जो क्रोशेट लवर्स हैं जो ये सीखना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और आप इसके लिए थ्रेड आप प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से ही परचेज़ करना। अराउंड ये आपको 200 ग्राम्स के अंदर ये फ्रॉक पूरा कम्प्लीट हो जाता है। तो 200 रुपीज़ के तकरीबन करीब आपका ये फ्रॉक बन जाएगा। सो आप ज़रूर चेक करना। और अगर आप लोकल मार्केट से ये ख़रीदोगे तो आपको थ्रेड बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लेना चाहते हैं या इस तरह के फ्रॉक्स बनाना चाहते हैं तो प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से ही थ्रेड्स परचेज़ करें। नेक के लिए हम ये कलर यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेना है इस तरीके से। नीडल की निप अपनी तरफ पकड़ें। इस तरीके से स्लिप नट लेने के बाद आपको चैन लेनी है 1, 2, 3, 4। ऐसे आपको टोटल 100 चैन लेनी है, 100 चैन ले लेनी है। कंटिन्यू आप फॉलो करें। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर ये 100 चैन ले ली है। 100 चैन लेने के बाद आपको क्या करना है, इसकी जो फर्स्ट चैन यहाँ पर हमने ली थी उसे ऐसे पकड़ लेना है आपको इस तरीके से, और फर्स्ट चैन के गैप में आपको नीडल डालनी है। अब नीडल पर धागा फोल्ड करना है और दोनों धागों में से बाहर आ जाना है इस तरीके से। अब ये नेक का पोर्शन बन गया। इतना हमारा नेक इजीली बच्चे का आराम से इसमें से चला जाएगा। अब हमें लेना है 4 चैन, 1, 2, 3, 4। 4 चैन लेकर अब यहाँ पर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे। अब ये जो फर्स्ट गैप है वो छोड़कर सेकेंड गैप में हम लेंगे 1 टाइम डबल क्रोचेट। स्टार्ट में हमें 4 चैन लेनी है, फिर 1 डबल क्रोचेट लेना है, नीचे एक गैप छोड़ देना है। अब फिर से हम लेंगे 1 चैन, फिर एक गैप छोड़ेंगे नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट। फिर 1 चैन लेंगे, फिर एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट लेंगे इस तरीके से। फिर 1 चैन लेंगे, फिर एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट ले लेंगे, और इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। 1 चैन लेना है, एक गैप नीचे छोड़ देना है, नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट लेना है। ये देखिए गाइस, ये मैंने लाइन कंप्लीट कर ली है। जब आप इस तरीके से फर्स्ट लाइन कंप्लीट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब आपको यहाँ पर अटैच करना है और लाइन कम्प्लीट करनी है। जब ये लास्ट डबल क्रोचेट आप बना लोगे तो उसके बाद आपको लेनी है 1 चैन। 1 चैन लेने के बाद यहाँ पर जो हमने स्टार्ट में 4 चैन ली थी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, उसके थर्ड चैन के गैप में हमें अटैच करना है इस तरीके से। अटैच करने के बाद ये रो हमारी अब कंप्लीट हो गई है। ये एक्स्ट्रा धागा है। ये रो कंप्लीट होने के बाद अब हमें लेना है 3 चैन जो एज अ डबल क्रोचेट काम करेगा। ये इसके ऊपर का डबल क्रोचेट बन गया। अब जो ये फर्स्ट चैन का गैप है यहाँ पर, ये जो फर्स्ट गैप आपको मिलेगा, इसमें आपको 2 बार डबल क्रोचेट लेना है। 3 चैन लेकर हम आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट गैप में हम लेंगे 2 बार डबल क्रोचेट, 1, 2 इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको ये डबल क्रोचेट दिख रहा है, उसके ऊपर गैप में हम लेंगे 1 टाइम डबल क्रोचेट इस तरीके से।
फिर गैप दिख रहा है, इसमें हम लेंगे टू टाइम्स डबल क्रोचेट, वन टू। फिर नेक्स्ट जो ये डबल क्रोचेट है उसके ऊपर लेंगे वन टाइम डबल क्रोचेट, फिर गैप आ गया उसमें लेंगे हम टू टाइम्स डबल क्रोचेट, इस तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये जो डबल क्रोचेट है इस पर हम वन टाइम डबल क्रोचेट लेंगे, गैप में टू टाइम्स डबल क्रोचेट लेंगे और ये लाइन कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। ये देखिए गाइस, यहाँ तक हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में हमारे पास ये जो एक चैन बची है इसमें हम लास्ट में दो बार डबल क्रोचेट डालेंगे। बिल्कुल आपका भी ऐसे ही आना चाहिए, टू टाइम्स लास्ट में डबल क्रोचेट डालकर जो हमने स्टार्ट करने के लिए थ्री चैन ली थी उसकी थर्ड चैन के गैप में हम नीडल डालेंगे और अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अटैच करने के बाद ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो गया है, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब यहाँ से हम लेंगे फिर फोर चैन, थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। वन एंड टू कंप्लीट हो गया, थर्ड राउंड के लिए हमने फिर से फोर चैन लेनी है। फोर चैन लेने के बाद ये एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में हम डबल क्रोचेट ले लेंगे इस तरीके से, फिर वन चैन लेंगे, फिर एक गैप छोड़ेंगे, नेक्स्ट गैप में वन टाइम डबल क्रोचेट लेंगे। अब हमें यहाँ पर फिर से ये वाली लाइन यहाँ फॉलो करनी है, फिर वन चैन लेंगे, फिर एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में वन टाइम डबल क्रोचेट लेंगे, फिर वन चैन लेंगे, एक गैप छोड़कर नेक्स्ट में वन टाइम डबल क्रोचेट लेंगे। और इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे, पूरा राउंड हमें ऐसे ही पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए गाइस, हमारी ये थर्ड लाइन भी कंप्लीट होने आई है। लास्ट में एक चैन एक गैप बचा है तो ऊपर आपको एक चैन लेनी है और यहाँ पर जो हमने फोर्थ चैन ली है उसकी थर्ड चैन के गैप में आप नीडल डालोगे इस तरीके से और अटैच कर लो, देन आपकी ये थर्ड लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ लाइन के लिए हम लेंगे थ्री चैन, थ्री चैन लेने के बाद जो फर्स्ट गैप आएगा इसमें हम लेंगे दो बार डबल क्रोचेट, वन, अब सेम गैप में फिर से वन टाइम डबल क्रोचेट, इट मीन्स यहाँ पर टू टाइम्स डबल क्रोचेट हो गया। अब ये जो फर्स्ट डबल क्रोचेट है ये वाला, इसके ऊपर हम एक बार डबल क्रोचेट लेंगे इस तरीके से, अब इसके बाद वाले गैप में वन टाइम डबल क्रोचेट लेंगे। फिर ये एक डबल क्रोचेट दिख रहा है उस पर एक बार डबल क्रोचेट लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में दो बार डबल क्रोचेट लेंगे। जितने भी आपको ये डबल क्रोचेट यहाँ पर दिख रहे इन पर हमें वन वन टाइम डबल क्रोचेट लेना है और जो गैप है तो एक गैप में हमें दो बार डबल क्रोचेट लेना है और दूसरे गैप में एक बार, फिर दो बार, फिर एक बार, फिर दो बार, फिर एक बार, इसी तरीके से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। अब इस गैप में दो बार डबल क्रोचेट ले लिया, अब नेक्स्ट डबल क्रोचेट के ऊपर हम वन टाइम डबल क्रोचेट ले लेंगे, फिर उसके बाद वाला गैप है तो एक बार डबल क्रोचेट लेंगे। ये देखें यहाँ पर हमने दो बार डबल क्रोचेट लिया है इसलिए यहाँ पर एक बार लिया है, फर्स्ट गैप में दो बार लिया, फिर सेकेंड गैप में एक बार, फिर थर्ड गैप में दो बार, फिर फोर्थ गैप में एक बार, इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए गाइस, मेरी ये फोर्थ लाइन भी कंप्लीट हो गई है, वन टू थ्री एंड फोर। फोर्थ लाइन कंप्लीट होने के बाद आपको थ्री चैन लेकर आगे बढ़ना है, फोर चैन लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर ये फोर्थ लाइन में हमने जो ये थ्री चैन ली थी लास्ट की, ये थर्ड चैन में हम अटैच कर लेंगे और ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। अब हम लेंगे फोर्थ चैन, क्योंकि हमें ये वाली लाइन फॉलो करनी है तो इसके लिए हम फोर्थ चैन लेकर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ चैन लेने के बाद फर्स्ट गैप छोड़कर सेकंड गैप पर डबल क्रोचेट, अब फिर से हम लेंगे वन चैन, आगे बढ़ेंगे, एक गैप छोड़ देंगे, नेक्स्ट गैप में लेंगे वन टाइम डबल क्रोचेट, फिर वन चैन लेंगे, फिर एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में लेंगे वन टाइम डबल क्रोचेट इस तरीके से। ऐसे ही अब हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे, वन चैन लेना है, एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में वन टाइम डबल क्रोचेट।
इसी तरीके से मैं ये भी लाइन कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए गाइस, ये लाइन भी हमारी कंप्लीट होने आई है। लास्ट में हम वन चैन लेकर थर्ड चैन के गैप में अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमने फोर्थ चैन ली थी, थर्ड में अटैच कर लेंगे और ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइन हमारी बन गई है। सिक्स लाइन के लिए हमें लेना है थ्री चैन। थ्री चैन लेने के बाद जो फर्स्ट गैप दिख रहा है इसमें हम लेंगे वन टाइम डबल क्रोचेट। फिर ये डबल क्रोचेट के ऊपर वन टाइम डबल क्रोचेट। अब ये फिर नेक्स्ट गैप जो दिख रहा है इसमें हम वन टाइम डबल क्रोचेट लेंगे। अब इस गैप में हमने वन टाइम डबल क्रोचेट ले लिया। अब डबल क्रोचेट के ऊपर वन टाइम डबल क्रोचेट लेंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। एक गैप में एक बार डबल क्रोचेट और डबल क्रोचेट के ऊपर एक बार डबल क्रोचेट, फिर गैप में एक बार डबल क्रोचेट, फिर डबल क्रोचेट के ऊपर एक बार डबल क्रोचेट। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। हर एक गैप में एक डबल क्रोचेट के ऊपर सब पर एक एक बार ही डबल क्रोचेट हमें लेते जाना है इस तरीके से। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करके आपको बताते हैं। देखिए गाइस, सिक्स लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में हम इसे अटैच कर लेंगे। हर एक गैप में हम वन टाइम डबल क्रोचेट लेते हुए हमने ये लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से ये बॉक्स वाली लाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम फोर चैन लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया बॉक्स वाली लाइन के लिए आपको स्टार्ट में फोर चैन लेकर स्टार्ट करना है। 1 2 3 एंड 4। फोर चैन लेने के बाद फर्स्ट गैप छोड़कर सेकंड गैप पर वन टाइम डबल क्रोचेट, फिर वन चैन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक गैप छोड़ देंगे, नेक्स्ट गैप में वन टाइम डबल क्रोचेट, फिर वन चैन लेंगे, फिर एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में वन टाइम डबल क्रोचेट, और ऐसे ही ये भी लाइन पूरी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ तक ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब वन चैन लास्ट में गैप छोड़कर यहाँ पर जो हमने फोर्थ चैन ली थी उसकी थर्ड चैन के गैप में अटैच, और ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लाइन के लिए हम फिर से थ्री चैन लेंगे और हर एक गैप में एक बार डबल क्रोचेट, डबल क्रोचेट के ऊपर एक बार डबल क्रोचेट। जो अभी हमने यहाँ पर लाइन फॉलो की है ये वाली, हर एक गैप में एक एक बार डबल क्रोचेट लेते हुए, वैसे अब हमें यहाँ पर भी ये लाइन फॉलो करनी है। डबल क्रोचेट के ऊपर एक बार डबल क्रोचेट, गैप में एक बार डबल क्रोचेट, फिर डबल क्रोचेट के ऊपर एक बार डबल क्रोचेट। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखें, इस तरीके से हर एक गैप में एक बार डबल क्रोचेट और डबल क्रोचेट के ऊपर एक बार डबल क्रोचेट। यहाँ पर हमारी एट लाइन कंप्लीट हो गई है। लास्ट में हमें एक डबल क्रोचेट लेकर अटैच कर लेना है। गैप में वन टाइम डबल क्रोचेट लेंगे और अटैच कर लेंगे। अब जो हम लास्ट लाइन बनाएंगे ये हमारी बेस की लास्ट लाइन होगी, नेक की। ये नेक साइड है और यहाँ से इसमें नेक और स्लीव्स दोनों बनेंगे। ये नेक इतना पोर्शन और ये दोनों स्लीव्स का होगा। सो लास्ट लाइन के लिए हम फिर से फोर्थ चैन ले लेंगे। फोर्थ चैन लेकर फर्स्ट गैप छोड़कर सेकंड गैप में वन टाइम डबल क्रोचेट, एंड देन सेम लाइन हमें कंप्लीट करनी है। ये वाली लाइन जो है ये लास्ट वाली ऊपर भी हम बना लेंगे। वन चैन वन गैप छोड़कर सेकंड गैप में वन टाइम डबल क्रोचेट, फिर वन चैन लेंगे, फिर फर्स्ट गैप छोड़कर सेकंड गैप में वन टाइम डबल क्रोचेट, और ऐसे ही हम ये लास्ट वाली लाइन भी कंप्लीट करेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर मेरी ये नाइन्थ लाइन कंप्लीट हो गई। ये लाइन कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पर दो अटैच किए हैं। ये जो गैप्स हैं यहाँ पर मैंने 22 गैप्स काउंट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। ये 22 गैप्स मैंने काउंट किए हैं इस तरफ से, और यहाँ पर मैंने नट दे दी है अलग कलर के धागे से ताकि हमें समझ में आ सके। और यहाँ पर भी मैंने 22 गैप्स पर नट दी है, और बीच बीच में मैंने 26 गैप फ्रंट एंड बैक के लिए छोड़े हैं। इस तरीके से आप ये काउंट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमें कर लेना है पहले, और अब हम यहाँ से कंटिन्यू डिज़ाइन फॉलो करेंगे। अब जो डिज़ाइन हम बनाएंगे वो नीचे फ्रॉक की बनेगी। ये हमारा नेक और ये स्लीव्स हमारे रेडी हो गए। ये यहाँ से ये स्लीव्स का काम करेगा, स्लीव्स एंड ये शोल्डर, और यहाँ पर ये फ्रंट का चेस्ट तक ये हिस्सा आएगा। उसके नीचे से अब हम ये डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। सो देखते हैं आगे कैसे बनाना है। ये देखिए, अब हमें डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, जहाँ पर ये एंड हुआ है यहाँ पर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप धागा चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप थ्रेड चेंज कर सकते हैं। मैंने भी पहले सोचा था कि ये ग्रे कलर से हम बनाएंगे, बट मैं सेम कलर का ही फ्रॉक बनाऊंगी।
तो यहाँ पर हमें स्टार्ट करने के लिए 4 चैन लेनी है, 1 2 3 4। 4 चैन लेने के बाद ये जो फर्स्ट गैप है, इस गैप में हम लेंगे ट्रिपल क्रोचेट, जिसके लिए हम 2 टाइम्स धागा फोल्ड करते हैं। अब गैप में जाएंगे, हम 2 धागों में से बाहर आएंगे, फिर धागा लेकर 2 धागों में से बाहर आएंगे और फिर 2 धागों में से बाहर आ जाएंगे। ऐसा हमें टोटल 5 टाइम करना है। ये 2 बार हो गया, ये 3 4 और ये 5। ये देखिए गाइस, ये 5 बार हमने ट्रिपल क्रोचेट बना लिया और ये जो 4 चैन हमने ली है वो भी एज अ ट्रिपल क्रोचेट ही काम करेगा। इट मींस कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 ट्रिपल क्रोचेट हमारे पास बन गए। अब हमें लेना है 1 चैन लेकर नेक्स्ट गैप में हम अटैच कर लेंगे। सिंपली हमें 1 चैन लेनी है, सिंपली नेक्स्ट गैप में जाना है और यहाँ पर अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद फिर 1 चैन लेंगे और नेक्स्ट गैप में सेम इसी तरीके से 6 टाइम ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे। 1 2 3 4 ये 5 और ये 6। तो इस तरीके से अब हम फिर से 1 चैन लेंगे और नेक्स्ट गैप में अटैच कर लेंगे और इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। अब फिर से हम 1 चैन लेकर आगे बढ़ेंगे और इस गैप में 6 टाइम ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे, फिर इस गैप में अटैच करेंगे। यहाँ तक मैं बनाकर फिर आपको आगे कैसे बढ़ना है वो मैं बताती हूँ। चैन ले लेंगे हम, 1 चैन लेकर डायरेक्टली हम यहाँ पर ये जो बैक साइड में जो गैप है जिसमें नट दी हुई है वो नहीं, उसके बाद वाले गैप में हम 6 टाइम ट्रिपल क्रोचेट ले लेंगे। इस गैप में वहाँ से डायरेक्ट हमें यहाँ आना है, 6 टाइम ट्रिपल क्रोचेट हमें लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब हम फिर से 1 चैन लेंगे एंड नेक्स्ट गैप में अटैच कर लेंगे। अब इसी तरीके से हमें ये इस तरफ की भी पूरी लाइन सेम यही डिज़ाइन कंटिन्यू फॉलो करना है। हम यहाँ पर आ गए, ये इतना वेट, ये देखिए ये इतना गैप है, ये स्लीव्स के लिए है और ये वाला हमारा पोर्शन जो है यहाँ पर हम ये डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इतनी यहाँ से हमने स्टार्ट की है, अब सेम ये पूरा यहाँ तक हम फॉलो करेंगे, फिर यहाँ से डायरेक्टली इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ तक ये सेम डिज़ाइन हमें फॉलो करनी है। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको बताती हूँ, यहाँ तक अब हम बना लेंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ तक मैंने ये पूरा राउंड बना लिया है। अब फिर से मैं ये स्लीव्स के पार्ट के पास आ गई हूँ, तो सेम इसी तरीके से आपको 1 चैन लेकर इस तरफ आ जाना है और ये जो नट वाला गैप है इसे छोड़कर इसके बाद वाले गैप में फिर से हम 6 टाइम ट्रिपल क्रोचेट लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब फिर से 1 चैन लेकर नेक्स्ट गैप में अटैच कर लेंगे, फिर 1 चैन लेकर सेम इस गैप में इसी तरीके से 6 टाइम ट्रिपल क्रोचेट बनाकर यहाँ तक फॉलो करके कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ।
ये देखिए गाइस, यहाँ तक हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब जब लास्ट में आप देखोगे कि आपके पास ये एक गैप ऐसे बचना चाहिए, तब आप ये वाले 6 ट्रिपल क्रोचेट लेने के बाद 1 चैन लेकर इस गैप में आपको अटैच करना है। सिंपली अटैच करने के बाद वन चैन लेकर ऐसे गैप में अटैच कर लें। अटैच करने के बाद यहाँ पर जो हमने स्टार्ट में 4 चैन ली थी, उसकी 4 चैन के गैप में हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अटैच करने के बाद अब हम यहाँ से दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, सेकेंड लाइन। तो उसके लिए डिज़ाइन भी चेंज है, पहले आपको 4 चैन लेनी है। 4 चैन लेने के बाद नीडल पर हम 2 टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आपको देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ट्रिपल क्रोचेट दिख रहे हैं। 5 ट्रिपल क्रोचेट है, तो ये 4 चैन लेने के बाद नीडल पर 2 टाइम्स धागा फोल्ड कर लो आप। एंड ये जो ट्रिपल क्रोचेट है फर्स्ट वाला, उसके बैक साइड से आपको नीडल डालनी है ऐसे, और बैक साइड पर हमें ट्रिपल क्रोचेट लेना है ये ऐसे। ये एक बार हो गया, और ये चैन जो हमने ली है 4 चैन, वो भी एज ए ट्रिपल क्रोचेट ही काम करेगा, तो ये 2 हो गए। अब फिर से हम इसके बाजू वाले में भी सेम ऐसे ही बैक साइड से ट्रिपल क्रोचेट ले लेंगे ये ऐसे। अब हम लेंगे 2 चैन, फिर ये जो बाकी के 3 जो ट्रिपल क्रोचेट यहाँ पर बचे हैं उनके भी बैक साइड 2 चैन हमें बीच में लेना है, और उनके भी पीछे से हम बिल्कुल ऐसे ही बना लेंगे ट्रिपल क्रोचेट। ये 2 एंड थर्ड वाले के पीछे से भी बिल्कुल ऐसे ही ये ऐसे। अब डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड पर चले जाएंगे। ये एक साइड के ऊपर का हो गया, जितने भी हमारे पास राउंड्स है ये वाले, सब पर हमें यही डिज़ाइन बनानी है। ये देखें, बिल्कुल ऐसे ही आपको सब पर बनाना है। अब हम डायरेक्टली नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे। नीडल पर 2 टाइम्स धागा फोल्ड करें। ये जो फर्स्ट हमें ट्रिपल क्रोचेट यहाँ पर दिख रहा है, इसमें से हम नीडल डालेंगे और बैक साइड में ट्रिपल क्रोचेट ले लेंगे ये ऐसे। फिर सेकंड पर और सेम थर्ड पर अब फिर 2 चैन लेंगे, और जो बचे हुए 3 ट्रिपल क्रोचेट हैं उन पर भी हम 1-1 टाइम बना लेंगे। 1, 2 ये 3 इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम फिर से थर्ड पर भी बना लेंगे, और ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। मैं थर्ड पर भी आपको बनाकर बताती हूँ। पहले 3 ट्रिपल क्रोचेट पर हम 3 बार ट्रिपल क्रोचेट बैक साइड से बना लेंगे, फिर हमें 2 चैन लेनी है, फिर सेम हम ट्रिपल क्रोचेट 3 बना लेंगे। 1, 2 3 इस तरीके से। फिर फोर्थ पर चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमें कंटिन्यू ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। मैं आपको ये पूरी लाइन कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए गाइस, मेरी ये सेकेंड लाइन यहाँ पर कंप्लीट होने आई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड लाइन कैसे फॉलो करना है, और इसी तरीके से हम कंटिन्यू इसे बनाते जाएंगे। मैं यहाँ पर जब ये आपकी लास्ट वाली लाइन, लास्ट वाला जो राउंड है, उसको इस तरीके से आप फिल कर लोगे, तो आपको डायरेक्टली ये जो 4th चैन है, ये फर्स्ट जो हमने स्टार्ट किया था उसमें 4th चैन ली थी हमने, उसके 4th चैन के गैप में आपको अटैच कर लेना है इस तरीके से।
और ये आपकी ये सेकेंड लाइन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी पूरी। अब सेकेंड लाइन कंप्लीट होने के बाद थर्ड लाइन के लिए हम फिर से ये डिज़ाइन फॉलो करेंगे, फिर फोर्थ लाइन में ये, फिर फिफ्थ लाइन में ये डिज़ाइन और सिक्स्थ लाइन में ये। तो इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट लाइन के लिए हमें वन चैन लेकर आगे बढ़ना है। मैं थोड़ा जूम करके बताती हूँ आपको क्या करना है। वन चैन लेनी है और ये जो गैप है टू चैन का, उसमें आपको सिक्स टाइम ट्रिपल क्रोचेट लेना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरीके से। अब फिर से हम लेंगे वन चैन और ये जो दो, इसके बीच का जो गैप है ये वाला, ये टू चैन का गैप नहीं, ये जो बीच में जो ये तीन ट्रिपल क्रोचेट और ये तीन ट्रिपल क्रोचेट के बीच वाला जो गैप है, इसमें हम डायरेक्टली गैप में नीडल डालेंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे और दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे, इस तरीके से। अब ऐसे ही हमें फिर से वन चैन लेना है और ये जो टू चैन का गैप है इसमें हम सिक्स टाइम ट्रिपल क्रोचेट ले लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब फिर से वन चैन लेंगे और ये तीन और ये तीन के बीच वाला जो गैप है इसमें अटैच कर लेंगे। फिर वन चैन लेकर सेम ये जो टू चैन का गैप है इसमें हम सिक्स टाइम ट्रिपल क्रोचेट लेते हुए ये वाली लाइन ऊपर फॉलो कर लेंगे। उसके बाद में फिर आपको ये वाली लाइन फॉलो करना है इसके ऊपर, और ऐसे ही आपको कंटिन्यू फॉलो करते जाना है जितनी आप लेंथ बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर टोटल 21 लाइंस बनाऊँगी। ये जो राउंड्स है इसकी हमें 11 लाइन बनानी है, और ये जो ट्रिपल क्रोचेट है जो हमने बीच में टू चैन ट्रिपल क्रोचेट लिए है इस तरीके की, ये लाइन हम 10 बनाएंगे। तो लास्ट वाली जो लाइन होगी ये राउंड्स वाली होगी। तो इसी तरीके से अब आपको पूरे 21 लाइंस कंप्लीट करने हैं। मैं अब आपको पूरी 21 लाइंस बनाकर बताऊंगी। अब आपको यहाँ पर ये जो टू चैन है इसमें इस तरीके से सिक्स ट्रिपल क्रोचेट लेना है, फिर ये जो छः ट्रिपल क्रोचेट साथ में दिख रहे हैं ये तीन तीन के बीच वाला जो गैप है इसमें आपको अटैच करना है, फिर यहाँ पर सिक्स ट्रिपल क्रोचेट बनाना है, फिर यहाँ पर आपको अटैच करना है। और ऐसे ही आप ये लाइन पूरी कंप्लीट कर लोगे ना, जब यहाँ पर आप लास्ट वाला बना लोगे आपका अटैच आ जाएगा। उसके बाद में सेम यही डिज़ाइन आपको इसके ऊपर फॉलो करना है, तीन ट्रिपल क्रोचेट लेना है, फिर टू चैन, फिर तीन ट्रिपल क्रोचेट, और फिर डायरेक्टली बिना कोई अटैच किए डायरेक्ट इस पर सेम यही डिज़ाइन जैसे हमने यहाँ पर बनाया ये इसके ऊपर बनेगा। तो ऐसे ही आपको टोटल 21 लाइंस बनानी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक 21 लाइंस कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर ये फ्रॉक की इतनी लेंथ बना ली है। ये मैंने यहाँ पर टोटल 12 लाइंस बनाए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के बीच में भी बोला था कि हमें यहाँ पर 21 लाइंस बनानी है, 21 लाइन बनानी है, जो 21 में से 11 लाइंस बनेंगी ये इस तरीके की राउंड वाली, और ये जो राउंड है ये लास्ट लाइन में आना चाहिए और सेकेंड लाइंस लाइन इस तरीके से आनी चाहिए। तो यहाँ पर 12 है, मैं ऑल 9 लाइंस बनाकर इसका फाइनल लुक एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो पीरियड चल रहा है लॉकडाउन का, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि जल्द से जल्द फ्रॉक की वीडियो अपलोड करें। जो मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी कि मैं फ्रॉक बेबी फ्रॉक बना रही हूँ और बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इसकी वीडियो शेयर करें ताकि हम भी ये फ्री पीरियड में बना सकें। और अगर आपके पास ये थ्रेड्स अवेलेबल है इस तरह का या फ्रॉक बनाने के लिए तो ठीक है, वरना आप 15 के बाद प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स पर 15 अप्रैल के बाद प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, जो घर बैठे आपके पास ये थ्रेड्स आ जाएंगे वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और फाइनल इसका जो इसका फाइनल लुक होगा वो मैं आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पर और एक छोटी सी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर भी शेयर कर दूंगी। और गाइस, ये मैं इनकम्प्लीट सा इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा था दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इस वजह से मैंने ये काम रुका दिया है।
और देख ले होंगे आपके रेगुलर वीडियोस भी मेरी नहीं आ रही हैं, मेरे लिए दुआ करें कि मेरे सर का दर्द कम हो जाए। और गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ इतनी ही वीडियो अपलोड कर दूँ तो आप लोग भी इसे बना लोगे। सो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल होंगी, स्टार्ट से एंड तक पूरी वीडियो इत्मीनान से देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ ऊपर इंग्लिश में लिख कर दे ताकि हमें और अच्छा हो और आसानी हो समझने में। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँ। कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कुछ भी हो, मुझे कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर डीएम करना, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। और अगर कोई छूट गया है तो फिर से मुझे कमेंट करे। और जो पुरानी वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं गाइज़, वो मैंने लास्ट 2 दिन पहले मैंने चेक किया कि बहुत सारे कमेंट्स थे जिसकी मुझे नोटिफिकेशन ही नहीं आई कि आप लोगों के मुझे कमेंट्स मिले ही नहीं। तो मैंने उन सारों को रिप्लाई किया है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो मेरी जो न्यू वीडियो है वीडियोस में जाकर चेक करें, जो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है उसके कमेंट पे मुझे रिप्लाई करें या कमेंट करें, तो मुझे पता चले जो मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई दे सकूँ। ओके गाइस, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मेक श्योर वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस तरह के और फ्रॉक की डिज़ाइन देखना चाहते हैं तब भी कमेंट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइस।